अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हकीम मोहम्मद मुश्ताक आप हजरात की खिदमत में आज फिर से हाजिर है। वीवर्स, आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी हो या किडनी स्टोन यानी किडनी की पथरी हो, दोनों भी पथरी के लिए एक ही नुस्खा काम करेगा। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है और अल्लाह के फजल करम से अगरचे आपको 8 mm, 7 mm, 10 mm है तो वैसे ही ये इसको गलाकर निकालने का काम करता है। और इसके कुछ हम सिम्टम्स सुन लेते हैं, जैसे कि आपको जो है किडनी की जगह पे दर्द होना, भारीपन महसूस होना, ओमेटिंग आना, इसी के साथ साथ आपका चिड़चिड़ापन बढ़ जाना। अगरचे आपकी किडनी में स्टोन है या पित्ते में स्टोन है तो सबसे पहले आपका चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, ये बात आप नोट कर लें, ख्याल में रखें। और इसी के साथ साथ अगरचे आपका पैन बढ़ता है, किडनी में ज़्यादा दर्द होता है, तो आपको ओमेटिंग भी हो सकती है, आपके यूरिन में जलन हो सकती है और इसी के साथ साथ आपके नली में इन्फेक्शन हो सकता है। पत्थर अगरचे निकल रहा है या पत्थर फंसा हुआ है तो ब्लड भी आ सकता है। घबराने की कोई बात नहीं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, हरा नारियल पानी सुबह रोज़ निहार मुँह इस्तेमाल करें और अनार का जूस रोज़ाना पिए। ये जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये किडनी की धुलाई करने वाली है, किडनी को एकदम ये साफ़ करने का काम करती है। और पानी आप ज़्यादा पिए। नुस्खा सुन लीजिए, 1 चम्मच आपको लेना है जैतून का तेल और 1 ही चम्मच आपको नींबू का रस लेना है। ये दोनों चीज़ें आपने ले ली, अब ये दोनों चीज़ों में आपको मिलाना है 1 चम्मच हनी यानी शहद अच्छी क्वालिटी का आपको मिलाकर जिसे इसको घोल लेना है और इसको आपको आधे गिलास पानी में डालकर सुबह सुबह खाली पेट पीना है। उसके आधे घंटे के बाद में आप नाश्ता कर सकते हैं, उसके पहले नाश्ता ना करें। और आधे घंटे के वक्फे में, आधे घंटे के गैप में आप जितना पानी पीने की सलाहियत रखते हैं, जितनी आप पानी पीने की आपकी कैपेसिटी है उतना पानी पिए, चाहे 2 गिलास हो 3 गिलास हो, इंशाल्लाह इसके आप सिर्फ 5 डोज कर ले, 5 दिन इस्तेमाल कर ले, इंशाल्लाह छोटी मोटी पथरियाँ तो ऐसे ही गला कर ये नुस्खा निकाल देता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका यूरिन इन्फेक्शन भी और आपका ब्लैडर मसाना वगैरह सब इंशाल्लाह क्लीन हो जाएगा। देसी नुस्खा है, बनाइए और इस्तेमाल करें इंशाल्लाह और किडनी की समस्या से राहत पाएँ। मिलते हैं दूसरी वीडियो में एक नए देसी नुस्खे के साथ में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।